कारोबार हुआ चौपट। होटल पड़ रहे सूने, कारोबारी बेहाल। आगरा का पर्यटन व्यवसाय ताजमहल के चलते गुलजार रहता था, पर कोरोना महामारी के चलते आगरा का पर्यटन व्यवसाय मुसीबत में है। पहले देश विदेश से पर्यटक भारी संख्या में ताज का दीदार करने आते थे, मगर अब इसमें कमी आ गई है। दुकानदार काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब पर्यटक ज्यादा आते थे तो बिक्री ज्यादा होती थी, अब ताजमहल हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलता है और दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से कोरोना आया तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट का स्थिति ज्यादा ही खराब होती चली गई है, ठीक है सर। उसके बाद ये हफ्ते का जो 7 दिन का ताजमहल खुल रहा था, अब कोई केवल 4 दिन खुल रहा है ताजमहल। काम है नहीं, सैलरी वैली दे नहीं पाते किसी को, जेम से ही दे रहे थे बैठा के, और स्थिति ऐसी बहुत चल रही। इस समय ऐसा चल रहा है, बंद करने का नौबत पे आ गए। होटल व्यवसाय भैया जी बिल्कुल पूरा चौपट हो चुका है। 2 साल से कोरोना बहुत स्थिति खराब कर रखी है, ताजमहल भी अच्छे से खुल नहीं रहा है। सप्ताह में केवल 4 दिन ताजमहल खुलता है, बाकी 3 दिन तो बंद ही रहता है, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल भी बेकार हो चुका है। वहीं होटल मालिकों का कहना है कि ताजमहल इन दिनों हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलता है। शुक्रवार को ताज पहले से ही बंद रहता है और वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार और रविवार को भी बंद रहता है। पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि व्यवसाय पूरे तरीके से चौपट हो चुका है। जब तक विदेशी पर्यटक का आना शुरू नहीं होगा, तब तक पर्यटन व्यवसाय उभर नहीं पाएगा। जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी, हमारा काम नहीं खुलेगा। हमको काम की बहुत जरूरत है। इस समय हमारे साथ बड़ी दिक्कत आ रही है। 2 साल से हम घर पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे अब काम करने निकले हैं तो 100-200 रुपया कमा पाते हैं, उससे हमारा घर नहीं चलता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए और पर्यटन को खोला जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोला जाए। आगरा में जो लॉकडाउन में छूट दी गई है प्रशासन द्वारा, उसके तहत स्मारकों में प्रवेश का समय अब सुबह 6 बजे से हो गया है। सभी दर्शक ताजमहल सहित सभी स्मारकों में सुबह 6 बजे प्रवेश कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त तक उनका प्रवेश जो है अलाउड रहेगा। इसके बीच में दर्शक स्मारकों का आनंद ले सकते हैं और इस छूट की वजह से जब से समय सुबह 6 बजे से हुआ है, सुबह के समय दर्शकों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। पर्यटन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू अब हटना चाहिए, जिससे पर्यटक ताज दीदार की ओर ज्यादा आ सके। वहीं अधीक्षक ASI का कहना है कि कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद ताजमहल खुलने का समय सुबह 6 बजे से दिया गया था और पिछले एक हफ्ते में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।